एक तरफ जो बनू में उस दिन दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, ये तो समझ आता है कि फौज की संजीदगी जो थी आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की, 8 जवान शहीद हुए फौज के उसमें। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें रियासती रद्द अमल के हवाले से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसने कुछ वजाहत की या फिर एक नई बहस जनरेट होती है कि बनू में तो, या तुर्बत जैसी जो जगह है, बलोचिस्तान या इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर तो SOPs लागू होते हैं, लेकिन लाहौर रावलपिंडी जैसे शहरों में जब लोग एहतजाज करें तो तब फिर SOP नहीं। हालांकि हम उसकी हिमायत करते हैं कि उस दिन तहमुल का मुजाहरा किया इदारे ने, तो आपकी नजर में क्या साबित होता है बनू के हवाले से जो आज वजाहत दी वाकये के हवाले से? देखें, जो बनू के हवाले से जो उन्होंने वजाहत दी, एक तो जो ऑपरेशन के हवाले से ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम 2 के पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वजाहत आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो आज आर्मी की तरफ से भी वजाहत आई है, तो इट इज क्लियर कि एक दो चीजें बड़ी वाजे हैं। एक के पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा नहीं रही बल्कि उठा चुकी है, क्योंकि अगर आप डाटा भी देखें, नंबर्स देखें, जिस तरीके से अफगान तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली एक रोबस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और कैंपेन तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है, आई थिंक 2014 का DGISPR ने जिक्र भी किया, एक नेशनल एक्शन प्लान जब आर्मी पब्लिक स्कूल में मैसेकर हुआ था, और उसके बाद भी तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, और इवन धरना देने के बावजूद तमाम जो नेशनल लीडरशिप थी, सिविलियन मिलिट्री, वो इकट्ठे हुए थे और एक इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़े थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है कि आई थिंक जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसकी वजह से जो बाकी मामला हैं वो सीरियसली अफेक्ट हो रहे हैं। मसलन अभी जैन कुरैशी साहब बन्नू जो मार्च की वो बात कर रहे थे, और वो वैसे भी कह रहे थे कि कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो बन्नू में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी तरफ से जो मुतालबात सामने आए हैं, उसमें एक मुतालबा ये है, एक तरफ वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, जो दहशतगर्द हैं उनका खात्मा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम की मुखालफत भी कर रहे हैं। अब ये दो चीज़ें कंट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर आज के DGISPR के बयान को देखें, वो तो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो अजमे इस्तेहकाम है, ये कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि रीइन्विगरेट करना है जो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है। तो असल जो इशू है इस वक्त, आई थिंक एक ट्रस्ट डेफिसिट है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, क्योंकि बन्नू में जो मार्च हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो, लेकिन वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करे, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है उसके हवाले से उनको खदशात है। हाँ। और ये एक बड़ा सीरियस, और वो माजी की पॉलिसी के हवाले से भी तनकीद कर रहे थे उस मुजाहरे में, मतलब पॉलिसी, रियासती पॉलिसी है तमाम इदारों की, और उसकी वजह ये है कि मेरा भी जो लोगों से इंटरेक्शन रहता है कि वहां पर प्रसप्शन कह लें या मिसप्रसप्शन कह लें, वहाँ पे परसेप्शन ये है कि आज भी अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन होती है कि शायद ये रियासत की खुद साजिश है कि हमने खुद लाकर इन दहशतगर्दों को बिठा रहे हैं, कुछ डॉलर की लोग बात करते हैं, तो अफसोसनाक ये पहलू है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक व्यू ये पाया जाता है कि शायद इसमें अगेन कोई मिली भगत है एस्टेब्लिशमेंट की, जानबूझ कर हम अपने मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि आपने बन्नू के वाक़े का जिक्र किया, 8 जवान शहीद हुए, तो क्या जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, खुद अपने बंदे मरवा रही है, मतलब ये बात समझ से बाला तर है। इसको आप के हवाले से कार्रवाई की उन्होंने बात की, अब इसको PTI के साथ मुंसलिक करना, यहाँ तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज थी, तो आप समझते हैं कि जहाँ इतना तो दहशतगर्दों को एड्रेस नहीं किया जितना एक सियासी जमात कहकर या इंतजारी टोला कहकर PTI के बारे में बात की। ये भी अगेन ये दूसरा इसका एक पहलू है कि एक वजह यह है कि जो ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम के हवाले से एक कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि जब एक तरफ आपके जो सियासी अगर मामलात हैं, ये इट्स अ फैक्ट के इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन है, लेकिन उस सियासी कॉन्फ्रंटेशन को दहशतगर्दी का वो नाम देना, उसके साथ गटमट करना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब वी हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस तहरीक इंसाफ के और एस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट के दरमियान हो सकते हैं, बट उसको आप नथी कर दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, कलदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, बन्नू का वाकया हुआ, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, उसको एक्सप्लॉइट जरूर कर रहे हैं, बट आई थिंक इसको भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जहाँ पोलिटिकल मामला है आप उसको पोलिटिकल साइड पर रखें, जो क्लियर सिक्योरिटी मामला है उसको सिक्योरिटी ऑफिशियल लेकिन करना चाहती है, और इसी की बेसिस पे PTI पे लगाना चाहती है, उसके कितने चांसेस हैं